हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं कुकिंग गुड विद सैम। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब नॉन वेजिटेरियन आइटम्स बनाते हैं, चिकन या मटन, तो सब्जियों का बहुत कम प्रयोग करते हैं, वेजिटेबल्स हम अवॉइड करते हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हम अवॉइड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी चिकन। तोरी को हम चिकन के साथ बनाएंगे और ऐसी कई सारी रेसिपीज़ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जिसमें आप वेजिटेबल्स को कैसे नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ आप कोलैबोरेट करके बढ़िया रेसिपीज़ बना सकते हैं। जो तोरी होती है इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी विटामिन्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, राइबोफ्लेविन है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तोरी वाला चिकन बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, आप चाहें तो थोड़ी छोटी भी ले सकते हैं। इसमें हमने सरसों का तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। आप अगर चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे हम। तेल हमारा गर्म हो गया है, ये हमने फाइनली कट प्याज ली है, ये चार मीडियम साइज की प्याज को हमने कट कर लिया है, ये अब इसमें हम डाल देंगे। प्याज को आपको भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आपको भूनना है। प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अब हम अपना चिकन डाल देंगे, ये तकरीबन 700 ग्राम्स है। चिकन को अच्छी तरीके से भूनना है हमें। चिकन हमारा भून गया है, अब हम इसमें दो मीडियम साइज के टोमेटोज हैं हमने चॉप कर लिए हैं और स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज हैं, ये इसमें हम डाल देंगे। इसी के साथ नमक स्वाद अनुसार। नाउ कम्स द मेन पार्ट, अब हम इसमें तोरी डालेंगे, ये तकरीबन आधा किलो तोरी है हमने गोल गोल काट लिए, अब ये इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद ही हमारा तोरी चिकन कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ग्रीन ग्रीन तोरी चिकन के साथ ब्लेंड हो रही है और काफी न्यूट्रिशियस भी है ये। चिकन को तोरी के साथ भूनते हुए हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट हो गए, अब हम इसमें 1 कप दही डाल देंगे। दही को हम मिक्स करेंगे और उसके बाद अपने पिसे हुए मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, ये बहुत बढ़िया लाल रंग दे देगी आपकी सब्जी को। कश्मीरी लाल मिर्च डालने का एक और रीज़न भी है कि हमने ऑलरेडी हरी मिर्चों को स्लाइस करके डाला है, तो नॉर्मल मिर्च में तीखापन ज़्यादा होता है, बट कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो रंग ज़्यादा देती है बट तीखी कम होती है। बढ़िया से बबल्स आ रहे हैं, इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट हमको भूनना है ताकि अच्छे से मसाला और हमारा दही सब जो है चिकन के पीसेस के अंदर अच्छे से घुस जाए। फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया से जो तेल है हमारा वो ऊपर आ गया है, ये निशानी होती है कि जब भी तेल ऊपर आता है तो मतलब आपका जो मसाला है वो अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे फॉर द एडेड फ्लेवर और इसको मिक्स करके 5 से 10 मिनट इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे। इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, बट बहुत ज़्यादा वाटरी ग्रेवी हमको नहीं बनानी है, ये मसाला ही बेसिकली बनेगा। पानी डाल के थोड़ा हिला के इसको हम 5 से 10 मिनट पकाएंगे।
हमारा तोरी चिकन अब बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा चिकन तोरी बिल्कुल तैयार है। इस बढ़िया सी रेसिपी को आप अपने किचन्स में ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।